नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनीश मिश्रा, मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। और ये चैप्टर हम लोग बुक आपका बता देता हूं, यूपी बोर्ड NCERT जो आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम वालों, उसी बुक का पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है। मैंने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, कुछ उसके बारे में बताया था। और फिर नंबर आया था एक्सरसाइज का, तो कल के वीडियो मैंने एक्सरसाइज 1.1 का पहला एक्सरसाइज हमने कर लिया था। दूसरा सवाल आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग करते हैं इसको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, आपका 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू क्या कोई पूर्णांक है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं बोला गया कि क्यू विषम पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक दो टाइप के हो, नंबर जो पूर्णांक है विषम पूर्णांक हो सकता है, सम पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है। आपके 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम पूर्णांक है, आपके 2, 4, 6, 8 ये सम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू कोई पूर्णांक या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है, इसके लिए कोई जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो पहली चीज आप माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। ए अगर आपने धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया है तो लिखा हुआ दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इनके रूप में हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मुझे दर्शाना है, यहां पे लिखो दर्शाना है। अगर धनात्मक विषम पूर्णांक को ए मान लिया है तो ए क्या हो सकता है, 6q+1 हो सकता है और 6q+3 हो सकता है, 6q+5 यही आपको एक के रूप में दर्शाना है, ठीक है, दर्शाना है ठीक है यहाँ तक आपका। अब देखिए ए आप विषम पूर्णांक माने हो, धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, ठीक है। अगर अमीर बात सुनिए, अगर ए को विषम पूर्णांक माना है, अगर एक को विषम पूर्णांक माना है, अचल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसको देखो ये होता है भाज्य, ठीक है, इसको इन्होंने ए माना है, ये होता है भाजक, इन्होंने इसको बी माना है, ये होता है भाग फल, देख रहा आपको, ये होता है भाग फल, इन्होंने क्यों माना है, ये शेष फल, इन्होंने क्या माना है, आर माना है। तो यहाँ से इन्होंने फॉर्मूला निकाला है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। आर का जो मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है आर जीरो से, ठीक है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है, मैंने आपको पूरा डिफाइन किया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर ए बराबर 6q+1 6q+3 6q+5 है, यहाँ पर ए को आप विषम पूर्णांक माने हो तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, क्यों आएगी 6 भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 6q+1, तो ये बी क्यू के बगल में, यहाँ क्या है, क्यू के बगल में बी है, तो क्यू के बगल में 6 है, तो बी का मान कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर बी का मान 6 आएगा तो देखिएगा ए को आपने क्या माना है, विषम पूर्णांक माना है, तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिए 6 से ए को अगर हम विभाजित करते हैं, ठीक है, अगर मैं 6 को, भाई ए क्या है, ए बी में ए आपका बीच में है, तो आप जो भाजक है, भाजक क्या बी है, तो वही तो लिखा है बी, 6 से अगर 6 को ए से भाग करते हो तो शेष फल आने की क्या क्या संभावनाएं हैं, शेष फल क्या क्या आ सकता है, देखो शेष फल क्या आएगा भाई, हमने आपको बताया था शेष फल जीरो आ जाएगा,
शेषफल 1 आएगा, शेषफल 2 आ सकता है, शेषफल 3 आ सकता है, शेषफल 4 आ सकता है, शेषफल 5 आ सकता है, लेकिन शेषफल 6 नहीं आएगा। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, यहाँ पर लिखा भी है शेषफल 6 नहीं आएगा, 0 से लेके 5 तक आ सकता है। ठीक है, 5 तक आ सकता है। अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 2 को काटो यहाँ पे 9 से, तो कितना आएगा, 2 चौके 8 आएगा, कितना आ गया, ये आ गया, 2 को 2 रह रहे दो, ठीक है 2 रह दो, ठीक है। आप एक काम करो, 4 को 23 से काटो, ठीक, 4 4 6 24, 4 5 20, 3 आएगा, ठीक है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझा रहा हूँ आपको, 5 को काटो यहाँ से 29, ठीक है, 5 को काटो 5 5 6 20, 5 5 25, कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, एक काम करो इसको रह दो, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं 4 को ले लूँ 27, 4 को ले लूँ 27, तो 4 6 24 30, ठीक है, 4 6 24, ठीक है, एक काम करो, ठीक है, यहाँ तक आ गए। मेरा मतलब बताने का आपसे ये है, 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक को आप विषम पूर्णांक माने हो, एक को आप विषम पूर्णांक माने हो, तो इसलिए इसमें आपसे अगर मैं 2, अगर मैं 3 को, ठीक है, 19 से भाग करूँ, तो 3 6 18, ठीक है, सही जा रहा था, ठीक है। 5 को मैं अगर 27 से भाग कर दूँ, ठीक है, चलो मैं 27 छोड़ दीजिए, 25 26 27 29 31 से भाग कर दूँ, तो 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर नहीं बैठेगा, बैठा भी सकते थे लेकिन टाइम चला जाएगा। देखिए मेरी बात को समझिएगा, अगर एक को आप विषम पूर्णांक माना है, विषम पूर्णांक आपने माना है, तो जब इसका शेषफल जब 6 से 1 को भाग करते हैं, जब 6 को ए से भाग करते हैं, तो यहाँ लिखिए ए एक विषम पूर्णांक है, तो इसका शेष फल विषम आएगा, शेष फल विषम आएगा, ठीक है, शेष फल क्या होगा, विषम आएगा। इसका मतलब जो शेष आया हुआ है, शेष फल आया हुआ है, जो आपने शेष फल देखा है, यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 2 और 0 तो हट गया, ठीक है, 4 2 0 हो गया, तो इसलिए इसलिए ठीक है, जो ए का मान होगा 6Q+1, ठीक है, 6Q+3, 6Q+5 होगा, ठीक है, ये देखिए दर्शा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, इतना लंबा नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा लैंग्वेज लिखनी है। बोला गया है यहाँ पर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इनके रूप में हो सकता है, तो आप मान लो, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो दर्शाना क्या है, एक की वैल्यू ये होनी चाहिए, एक की वैल्यू ये, एक की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। एक को आपने विषम पूर्णांक माना है, तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 हो जाएगी। जब 6 से एक को भाग करते हैं, एक को विभाजित करते हैं, 6 से 1 को विभाजित करते हैं, तो रिमाइंडर शेषफल क्या क्या आएगा आपको अच्छे से पता है, 0 से लेकर 5 तक आएगा, ठीक है। सारे क्या, सारे रिमाइंडर हो सकते हैं, सारे रिमाइंडर हो सकते हैं, नहीं। ए आपको, ए आपने क्या माना है, विषम पूर्णांक माना है, इसलिए शेषफल भी क्या होगा, विषम होगा। तो शेषफल क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक। अगर आपने ये इक्वेशन माना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर माना है, ए बराबर बी की वैल्यू क्या है, 6Q, आर की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ए बराबर 6Q, आर की वैल्यू 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, ए बराबर 6Q+5 रखोगे तो आर की वैल्यू ये आएगा, तो ए बराबर आर है ना, ए बराबर सब आर है ना, तो यही आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 1.1 का, प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड में है। क्वेश्चन भले बहुत भारी है, लेकिन इसका करने का तरीका बहुत छोटा है, ठीक है। लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना है, 616 सदस्यों की एक सेना, ठीक है, आर्मी सेना मतलब आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या बतानी है, अधिकतम संख्या हमें फाइंड करनी है क्या होगी। अधिकतम का मतलब होता है जब लिखा हो अधिकतम संख्या तो आप एससीएम निकालोगे, जब लिखा हो न्यूनतम संख्या कम से कम छोटी छोटी संख्या एलसीएम निकालोगे, जब क्वेश्चन अधिकतम संख्या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो एससीएम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 616 और एक संख्या होती है 32 का एससीएम निकाल लो, ठीक है एससीएम निकाल लो, ऐसी हाईएस्ट ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे वही क्या होगी, वही आंसर होगा। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियर विभाजन पढ़ने से नहीं लिखा हुआ है, आप करना चाहो ऐसे कर लो, ठीक है हम न्यूक्लियर विभाजन पढ़ने से न करके हम सिंपल मेथड में करेंगे। क्या करना है, 32 लो यहाँ पर, ठीक है 616 करो, ठीक है भाग कर लो, ठीक है भाग कर दो यहाँ पर। अब देखो 32 दहा में कितना होगा, 320 होगा, ठीक है 32 कितना हो जाएगा, 32 गुणे 20 कितना जाएगा, 32 गुणा 64 कितना जाएगा, 640 हो जाएगा, ठीक है ज्यादा हो गया 20 बार में, अच्छा ठीक है 32 माइनस कर दो यहाँ पर 19 बार आ जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8 आएगा, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है 06, ठीक है 19 बार में क्या जाएगा, 19 बार में कितना आएगा 108 आएगा, ठीक है 108 आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा डायरेक्ट मैंने देखा भाई। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार में लेकर जाओ फिर 9 बार में लेकर जाओ, ठीक है हमने डायरेक्ट दिमाग लगाया कि 616 32 के कितने आसपास है, मैंने देखा 10 बार में गए तो 320 आ गया, 320 का डबल करोगे 640 आ जाएगा, डबल का मतलब 20 से मल्टीप्लाई किए 640 ज्यादा हो गया, एक स्टेप आगे आओ तो 32 माइनस कर दो, चाहे आप 32 गुणे 19 कर दो, चाहे आप यहाँ पर 32 माइनस कर दोगे 608 आएगा, ठीक है इतनी बात समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पर 6 में से 8 नहीं आएगा, 16 में से 8 8 बचेगा, ठीक है अब जो यहाँ पे बचा हुआ है शेष फल उसको हम क्या करेंगे 32 से काटेंगे, ठीक है तो कितना आ जाएगा 8 का 8 चौक 32 ठीक है कट गया पूरा पूरा, तो यहाँ पर किससे कट रहा है इससे, तो एससीएम कितना आ जाएगा 8 आएगा, इसका मतलब क्या होगा स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी, स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी, यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है इसको भी नोट कर लीजिए।